हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं और कुछ कमांड के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। हमें मैट्रिक्स किस तरह से लिखा जा सकता है। x इक्वल टू 2 स्पेस 5 7 अगर हम दे देते हैं तो ये रो हो गया। यहाँ पर हम सेमी कॉलन देते हैं जिससे कि ये दूसरे लाइन में आ जाए, तो ये सेकेंड रो हो जाएगा। 6 8 2, उसके बाद फिर से 0 2 0 स्पेस 2 स्पेस 1, और यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं और इंटर। तो यहाँ पर हमको x का वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम रो इंटू कॉलम में आप देख सकते हैं 3x3 यहाँ पर रो है। तो आप अगर देखेंगे तो जो है x का कॉमा आप, तो इसका मुझे आप ट्रांसपोज निकालना है। तो किस तरह ट्रांसपोज निकालेंगे, x ट्रांसपोज का आप देख सकते हैं, इसका साइन ये होता है, x डैश देंगे इंटर। तो इसका आप ट्रांसपोज देख सकते हैं, रो कॉलम में या कॉलम में कॉलम रो में चेंज हो चुका है। तो इस तरह से x x का ट्रांसपोज निकाला जा सकता है। इसी तरह इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ओके, तो यहां पर मैक्स लिखेंगे और एक्स एक्स का निकालना है तो एक्स दे देंगे इंटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं 6 8 4 है। ओके, इस कॉलम में 6 है सबसे मैक्सिमम, इसमें सबसे मैक्सिमम 8 है, इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है 4 है। तो यहां पर 6 8 4 वैल्यू दिया। इसी तरह मिनिमम निकालना है, मिनिमम x इंटर। तो इस कॉलम में जो है 0 है सबसे मिनिमम, इसके बाद 2 है सबसे मिनिमम, इसमें 1 है। तो इस तरह से वैल्यू हम मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल सकते हैं। मुझे किसी कॉलम यहाँ पर 8 मुझे चाहिए। ओके, 8 वैल्यू चाहिए। तो 8 कहाँ पर है, सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, अगर मुझे कोई a नाम दे देते हैं, क्लोज ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पे 2x2 दे देंगे, 2 रो कॉमा 2, क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है, इंटर करते हैं। ओके ओके सॉरी, यहाँ पर इसको इस तरह से वैल्यू निकाला जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई एक वैल्यू देते हैं a इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है मुझे x मैट्रिक्स का निकालना है। ओके, यहाँ पर x देंगे क्लोज ब्रैकेट, 2x2 देंगे, 2 कॉमा 2 क्लोज करेंगे। तो ये क्या है, 2 क्या है, 2 रो यानी फर्स्ट रो होता है और सेकेंड कॉलम होता है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, इंटर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का जो वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर मुझे 8 मिल जाता है। याद रखें हमेशा ये कुछ हम डिफाइन कर दिए हैं, उसके बाद जिस मैट्रिक्स का निकालना है उसको हम देंगे। तो एक्स मैट्रिक्स का, मेरे एक्स मैट्रिक्स का नाम है एक्स, और इसके बाद कौन सा जो कॉलम निकालना है उससे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रो मैट्रिक्स कॉलम ट्रांसपोज निकाला जा सकता है। और देखते हैं कुछ कमांड के बारे में यहाँ पर जानते हैं। यहाँ कुछ मैटलैब का टिप्स है, याद रखें नेवर क्रिएट एम फाइल विथ द सेम नेम एज फंक्शन और कमांड। जो कमांड या फंक्शन का जो नेम होता है उस हिसाब से वो एम फाइल को हमेशा हम सेव नहीं करेंगे, कभी सेव नहीं करेंगे। ओके, इसलिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा फंक्शन या कमांड इसमें ऑलरेडी है। जैसे हेल्प में जाएंगे, इमेज इंटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इमेज ऑलरेडी यहाँ पर सेव है। इमेज नाम से हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो वार्निंग बताएगा सेव नहीं कर सकते। ओके, फिर से हम देख सकते हैं हेल्प, कोई नाम रख सकते हैं, रैंडम कोई नाम ले लिए इंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं GHFT नॉट फाउंड, जो मैंने लिखा वो फाउंड नहीं है, तो इस नाम से हम सेव कर सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि अगर हम एम फाइल को सेव कर रहे हैं तो हमको अलग नाम से सेव करना है, ना कि फंक्शन या स्क्रिप्ट जो ऑलरेडी कमांड है उसके नाम से सेव करेंगे तो मुझे रिजल्ट आउटपुट नहीं निकलेगा। सेव कहाँ पे किया जाता है, तो आप अगर स्क्रिप्ट न्यू स्क्रिप्ट लिखते हैं या न्यू लिखते हैं, न्यू फाइल में जाकर स्क्रिप्ट या कंट्रोल एन से, या अगर हम यहाँ पर एडिट लिखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एडिट इंटर। तो यहाँ पर जो हम जो लिखते हैं जैसे x इक्वल टू 5, ओके,
और इसे हम सेव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम इमेज नाम से सेव करते हैं। ओके सेव, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वार्निंग बताया जा रहा है। ओके तो कभी भी जो कमांड है या फंक्शन है उस नाम से सेव नहीं करेंगे। यहाँ पे कह रहा है रीनेम करने के लिए। ओके यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शन यानी जो मैंने लिखा है जो नाम से सेव किए हैं उसे कहा जा रहा है चेंज करने के लिए। ओके यहाँ पर डिलीट कर देते हैं इसे, इसे हम सेव करते हैं। सेव हम कोई अलग सा नाम से रख देते हैं, DFR सेव। तो ये सेव हो चुका है। ओके देख सकते हैं रन यहाँ से भी किया जाता है, रन इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 या DFR अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं DFR तभी भी मुझे यहाँ पर रिजल्ट निकल जाता है। जिस नाम से सेव करते हैं उस नाम से हम कमांड में जा करके भी लिख सकते हैं। सेकेंड और एक और मुझे इसे डिलीट कर देना है और फिर से हम इसे सेव करते हैं। तो याद रखें कि दूसरा टिप्स क्या है इसमें, डोंट सेव फाइल नेम एज स्टार्ट विथ नंबर। ओके कभी भी नंबर के साथ जो स्टार्ट होगा हम सेव नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हम 2 दे दिए और कुछ नेम दे दिए। ओके सेव, यहाँ पर देख सकते हैं मैटलैब नेम्स मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर एंड कंटेन ओनली लेटर्स नंबर्स और अंडरस्कोर। ओके ये इस बात का ख्याल रखें, इस दोनों बात का, कि कभी भी हम लोग नंबर के साथ जो स्टार्टिंग नंबर के साथ हम सेव नहीं करेंगे, और जो फंक्शन कमांड होगा पहले से उसे पहले हेल्प और जो जो नेम से अगर हम सेव करना चाहते हैं उसे चेक कर लेंगे। या आपके पास कुछ यूनिक है, आप जानते हैं कि ये नेम फंक्शन या कमांड में नहीं होगा, उसे आप उस नाम से सेव करेंगे। ओके ये था टिप्स कुछ। नेक्स्ट चलते हैं इनपुट आउटपुट एंड फॉर्मेटिंग कमांड से। ये हमेशा जब हम लूप हम लोग पढ़ेंगे, लूप में फॉर व्हाइल, ओके लूप में जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो इसमें हमको इनपुट आउटपुट का जो ये डिस्प्ले एफ स्कैन एफ फॉर्मेट एफ प्रिंट एफ ये सारे चीज़ों का यूज करना होगा। तो उस टाइम देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर डिफिनेशन दिए हुआ है, इसे हमेशा यहाँ पर याद रखें कि ये सारे का डिफिनेशन क्या है, इसका यूज कैसे होता है। ओके तो हम चाहते हैं ये सारे कमांड को आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके और यहाँ पर इसे याद रखें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग बताएंगे फिर से तो दोबारा रिविजन भी हो जाएगा और फिर से अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे कि ये सब चीज़ों का कहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं द फॉर्मेट कोड्स फॉर एफ प्रिंट एफ एंड एफ स्कैन एफ, ये सारे चीज़ों का भी यूज हम लोग करेंगे। तो इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं और इस कमांड को लिख सकते हैं जो रेड कलर में है वो कमांड है, इसका हम लोग हमेशा कमांड में यूज करेंगे। ओके और नेक्स्ट चलते हैं तो न्यूमेरिक डिस्प्ले फॉर्मेट से। ये तो इसके बारे में कुछ यहीं पर हम बता देते हैं, फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट लॉन्ग से क्या कर सकते हैं, या तो इसके हम प्रीफ्रेंस में जाकर के हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये है कि एक्चुअली यहाँ पर हम देखेंगे इसे सबसे पहले क्लियर से वर्क स्पेस क्लियर करते हैं, CLC से कमांड विंडो की क्लीन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम 2.035 × 3 point something हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 point, यहाँ पर जो टोटल डिजिट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 digit है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेट है यहाँ पर फॉर्मेट लॉन्ग है यानी 16 decimal digit तक जाएगा। ओके अगर हम शॉर्ट रखते हैं तो 4 decimal digit जाएगा। ओके तो हम फॉर्मेट शॉर्ट यहाँ पर पहले दे देते हैं, फॉर्मेट शॉर्ट ओके इंटर। इसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटर, यहाँ पे देख सकते हैं 4 decimal तक ही जाता है, 4 digit जाएगा आफ्टर decimal। ओके इसी तरह अगर आप यहाँ पर फॉर्मेट बैंक करते हैं तो 2 decimal digit तक ही जाएगा। इस तरह से देख लेते हैं यहाँ पर पहले फॉर्मेट बैंक इंटर। इसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस दोनों को, देखिए 2 नंबर के साथ यहाँ पर आया। ओके तो इस तरह से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आपको 16 digit का चाहिए, 2 digit चाहिए, 4 digit चाहिए, या इसके साथ साथ 5 digit प्लस एक्सपोनेंट चाहिए। मीन्स एक्सपोनेंट का मीन्स 10 to the power e, 10 to the power 5, 6 इस तरह से होता है वो चाहिए, तो आप इसे यूज कर सकते हैं इस तरह से। ओके फॉर्मेट रेट से रेशनल अप्रोक्सीमेशन होगा। तो ये सारे चीज़ों से हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं न्यूमेरिक डिस्प्ले फॉर्मेट्स। ओके नेक्स्ट चलते हैं, इसे भी आप लिख लें और इस सारे चीज़ों का यूज करें किस तरह से यहाँ पर चेंज होता है। ओके
नेक्स्ट चलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर मैट्रिक्स एंड एरे कमांड्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड के थ्रू फाइंड इंडिसेस ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, लेंथ कंप्यूटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो मेरे पास मैट्रिक्स है या वेक्टर है उसमें हम फाइंड लेंथ के थ्रू हम उसका नंबर, नॉन जीरो एलिमेंट्स, ये सारी चीज निकाल सकते हैं। ओके, मैक्सिमम मिनिमम का तो यूज कर ही लिए हैं, मैक्सिमम एक्स का वैल्यू दिए थे तो कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वहाँ से लार्जेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये सब निकाला जा सकता है। इसी तरह प्रोड, रिसेप, साइज के थ्रू निकाल सकते हैं, सॉर्ट ईच कॉलम, सारे कॉलम में जो शॉर्टेस्ट नंबर होगा, एलिमेंट्स होगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर 1 5 सेमी कॉलन देंगे तो ये सेकेंड रो में चेंज हो जाएगा। याद रखें इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, मेरे पास ये नंबर है। ओके, ये फॉर्मेट इस तरह से क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेट बैंक करके 2 डिजिट का स्टार्ट किए थे, इसलिए यहाँ पर 100 भी आ गया। ओके, इसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ख़त्म भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे हमको क्या जानना था, यहाँ पर सॉर्ट। ओके, तो SORT एक्स है, मैट्रिक्स का नाम एक्स है, एक्स देंगे क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में चला गया है, यानी कि सॉर्ट यहाँ पे जो रो है सबसे पहले जो सॉर्ट है वो आप देख सकते हैं 1 3 5। इस कॉलम में सबसे सॉर्ट कौन सा है, 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, उसके बाद क्या है, 3 है इसमें, तो सेकेंड 3 आ गया, इसमें 6 है, इसमें 8 है। तो इस तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको रो वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। सम है, तो इसी तरह सम ईच कॉलम को सम कर देगा यहाँ पर, किस तरह से 5 3 1 को ऐड कर देगा, फिर 8 6 3 को ऐड करेगा, इस तरह से हमको मिल जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तीनों कॉलम को ऐड कर दिया है और इसका वैल्यू यहाँ है, इस तीनों वैल्यू को ऐड करके इस तरह से हम ये सारे कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर और कुछ कमांड के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई क्रिएट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख सकते हैं यहाँ पर हम किस तरह से इसे यूज करते हैं। आई वैल्यू हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो इसका कितना रो या कॉलम चाहिए, 3 5 3 रो 5 कॉलम के साथ मुझे चाहिए इंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रो है 5 कॉलम है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, देख सकते हैं 1 1 1, ये इसके डायगोनल 1 1 होता है, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। वंस देखेंगे तो क्रिएट एन एरे ऑफ वंस। ओके, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं वंस कितना रो या कॉलम चाहिए, अगर 5 देते हैं, अगर सिर्फ 5 देते हैं तो 5 रो 5 कॉलम के साथ ये हमको दे देगा। देख सकते हो 5 रो 5 कॉलम वंस एरे मींस 1 मैट्रिक्स दे दिया। ओके, जीरोस के लिए क्रिएट्स एन एरे ऑफ जीरोस, क्रॉस के लिए कंप्यूट्स क्रॉस प्रोडक्ट्स डॉट कंप्यूट डॉट प्रोडक्ट्स, तो इस तरह से इस सारे चीज़ों का यूज करेंगे। और आप भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस तरह से इनवर्स रैंक मैट्रिक्स का रैंक निकाला जा सकता है इस सारे चीज़ों के थ्रू। ओके, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं ऑफ एन एरे का यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कमांड एक्स इक्वल टू ये वैल्यू दे चुके हैं। तो अगर हमको डिटरमिनेंट निकालना है इसका, तो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स का निकालना है, ओनली इंटर करेंगे तो एक्स यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है इसका डिटरमिनेंट 1 इसका आंसर निकला। तो इस तरह से सारे कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो प्लॉटिंग कमांड से। ओके, तो यहाँ पर जो हम प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पर यूज होता है एक्सिस सेट्स, एक्सिस लिमिट्स यहाँ पर सेट किया जाता है। एफ प्लॉट से इंटेलिजेंट प्लॉटिंग ऑफ फंक्शन यहाँ पर सेट किया जाएगा, ग्रिड से डिस्प्ले में ग्रिड लाइन दिया जाएगा उस ग्राफ पर। तो देख सकते हैं प्लॉट जनरेट्स एक्स वाई प्लॉट, प्लॉट सेट करेंगे तो वो एक्स वाई हमको प्लॉट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, प्रिंट्स प्रिंट्स प्लॉट और सेव्स प्लॉट टू अ फाइल, उस फाइल को उस एक्स वाई जो मुझे ग्राफ होगा उसे सेव करने के लिए प्रिंट का हम कमांड यूज करेंगे, सेव कर सकते हैं। इसी तरह टाइटल एक्स लेवल वाई लेवल, एक्स एक्सिस पर जो नाम देना चाहते हैं, वाई एक्सिस पर जो नाम देना चाहते हैं वो रख सकते हैं, उस ग्राफ का हम टाइटल दे सकते हैं यहाँ से, एक्सेस क्लोज क्लोज ऑल से क्लोज ऑल प्लॉट्स, क्लोज से क्लोज द करेंट प्लॉट, ये सारे कमांड का हम लोग प्लॉट में यूज करेंगे।
सिर्फ हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये कमांड होता है और इसका डिफिनेशन ये है, आप इसे नोट कर लें क्योंकि हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में जानने वाले हैं कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है। थोड़ा दिखा देते हैं, प्लॉट करना है, एक्सिस निकालना है, तो यहाँ पर आप एक्सिस देखिए, यहाँ पर इस तरह से प्लॉट आपको आएगा, एक्स एक्सिस एक्स लेवल वाई लेवल, इस प्लॉट का जो ग्राफ देना है, टाइटल देना है, यहाँ से टाइटल यहाँ पर लिखेंगे और जो नाम देना चाहेंगे यहाँ पर हम दे सकते हैं, ओके टी यहाँ पर टाइटल, इसका जो नाम रखना चाहते हैं इसके अंदर में आप रख सकते हैं, ओके। इंटर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने टाइटल दिया यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ करके नाम आ चुका है। तो इस तरह से ग्राफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे कमांड को लिखिए, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से फिगर जी टेक्स्ट होल्ड ये सारे कमांड आप लिख लें क्योंकि इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि इस सारे कमांड को किस तरह से यूज किया जाता है, ओके। लीजेंड लीजेंड प्लेसमेंट बाय माउस, ओके, ये सारे चीज़ों का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट सीखेंगे। बाय बाय।